नरवर थाना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 10 में निवास करने वाला 20 वर्षीय युवक मनीष प्रजापति, जो एक पैर से अपाहिज है, पिछले 3 दिन से कहीं लापता था। मनीष प्रजापति को परिजनों ने आसपास क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर ढूंढने की लगातार कोशिश की, परंतु युवक का कहीं अता पता नहीं लगा। तब जाकर लापता युवक के गुम होने की रिपोर्ट युवक के पिता रमेश प्रजापति ने नरवर थाने में दर्ज कराई। आज सुबह तड़के ही मोहल्ले में एक कुएं के पास लगे हेडपंप पर पानी भरने गए लोगों ने देखा कि कुएं के अंदर कोई डेथ बॉडी पड़ी हुई है। यह खबर मिलते ही वहां लोगों की भीड़ हो गई। लोगों ने नरवर थाने में सूचना दी। जानकारी मिलते ही मौके पर नरवर पुलिस ने पहुंचकर कुएं से शव बाहर निकाला। गुमशुदा युवक के पिता को निशाक्त के लिए बुलाया, जिसकी पुष्टि लापता युवक मनीष प्रजापति के रूप में हुई। मौके पर पंचनामा बनाकर पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए नरवर सामुदायिक केंद्र रवाना किया। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। गुम हो गया है तो कल गुम इंसान क्रमांक अपन ने कायम किया था ना, गुम इंसान क्रमांक। उसके बाद रात में कल 7:45 बजे कायम हुआ था। आज सुबह जब इसकी जांच चल रही थी तो सूचना मिली कि एक लड़का जो है यहाँ पर कुएं में जो है उसकी बॉडी मिली है। तो उसके पिता को भी बुलवाया, उसने देखा कि मेरे लड़का है, मर कायम करके अब जाँच में लेंगे, आगे जो भी होगा देखा जाएगा कैसे इसमें। क्या नाम है? रमेश। तो रमेश जी, ये यहाँ पे जो घटना हुई है, ये क्या मतलब आपका, कौन है ये? इनसे जिक्र कर रहे हैं, उसके लिए वो मिल नहीं दिया था, हमने अपना फोन डाल दिया। नहीं, ये कौन था आपका? मरा है था। अच्छा, आपका बच्चा था? था। तो कब से लापता था? तो इसके बाद में आपने इसकी कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट डाली या कोई डाली? तो फिर अब आज आपको कैसे मालूम चला? मोरमोरी है, पानी पीने ले गया, तो जाते मालूम, जिनने देखा होगा, जिनने कहीं बम लगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।